Shri Sachidananda Sadguru Sai Nath Maharaj Ki Jai. Jai Sai Ram. Namaste dosto. Welcome to Samata Audio. आप सभी को समत ऑडियो की तरफ से बहुत बहुत प्यार धन्यवाद जो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। समत ऑडियो की तरफ से मैं समर राय बोल रहा हूँ, आपका होस्ट और यहाँ का साउंड इंजीनियर। तो आज जो ट्रिक्स आपको मैंने दिखाना जा रहा हूँ कि जब आप लोग कोई डबिंग करते हैं, मतलब फिल्मों में डबिंग करते हैं या डॉक्यूमेंट्री कोई फिल्मों में डबिंग करते हैं, तो उस जगह पर अब किसी किसी जगह में आपको एक बीप लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ सेंसर्ड वर्ड रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो उसमें आपको कुछ बीप साउंड देना पड़ता है। आपका जो प्रोटूल सेशन है उसमें आप कैसे उस ओ वाला बीप आप देंगे, वही मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे देंगे और कैसे इसको लागू करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले हमारे पास यहाँ भी फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो नहीं है, लेकिन एक गाने पर हम लोग उसमें बीप वोकल ट्रैक में बीप लगाएंगे। पहले बार गाने के जाने को सुन लीजिए आप लोग। तो मान लीजिए कि ये जो गाना था, इस गाना पे आप जो वोकल ट्रैक यहाँ पे देख रहे हैं, वोकल ट्रैक जो है, मैं इस वोकल ट्रैक में यहाँ से यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि एक बीप साउंड लगा दिया जाए। तो बीप साउंड कैसे आप लगाएंगे वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आप जिस ट्रैक में लगाना है उसी ट्रैक को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ से जहाँ तक आपको लगाना है। मान लीजिए कि यहाँ से आपको यहाँ तक लगाना था या यहाँ तक लगाना था, तो ये वर्ड कैसा है सुन लीजिए एक बार। मतलब एक छोटा सा एक लाइन है, तो उसमें अगर आपको बीप साउंड दे रहा है तो कैसे आप बीप साउंड देंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा कि ऑडियो सूट में, और वहाँ जाइए, वहाँ जाके आपको हिट करना पड़ेगा अदर साउंड। अदर्स में से आपको एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें है सिग्नल जनरेटर। सिग्नल जनरेटर कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसको क्लिक कीजिए। तो जैसे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें बहुत सारे आपको साइन वेव मिलेगा, यहाँ पे उसके बाद स्क्वायर मिलेगा, बहुत सारे नॉइज़ मिलेंगे आपको बीप साउंड का। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, साइन वेव देने के बाद इसमें लिसन बटन होता है, इसमें एक बार सुन लीजिए, अगर आपको ये वाला टोन बीप टोन पसंद है तो इसको लागू कीजिएगा आप। तो सुनिए, तो ये जो है ये 1000 किलोहर्ट्ज़ का साउंड है, मतलब 1000 किलोहर्ट्स मतलब मिड फ्रिक्वेंसी का एक साउंड आपको मिलेगा, जिसका लेवल आपको -20 dB इसका लेवल रहेगा। और जैसे कि ये आप जहाँ से जहाँ तक आपने सिलेक्ट किया है, जो ऑडियो फाइल का जहाँ से जहाँ तक आपने सिलेक्ट किया है उसी ऑडियो फाइल को आप इसमें सिलेक्ट करके और इसको रेंडर कर दीजिए, तो इसमें आपको एक रेंडर साउंड मिलेगा। देखिए कैसा साउंड होता है, अभी देखिए। तो मतलब इसमें आपको जहाँ जहाँ पे क्लिक देना है उसको आप सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे आपको बहुत सारे, जैसे देखिए यहाँ पे एक साइन वेव है, एक आपका स्क्वायर है, स्क्वायर का टोन थोड़ा सा अलग है, एक बार सुन के देखिए। तो जैसे कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इसका टोन सुनिए आप पहले, तो ये भी आप दे सकते हैं, स्क्वायर का टोन थोड़ा सा हार्ड होता है, सुनिए एक बार। तो ठीक है, तो ऐसा ही बहुत सारे टोन्स यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि आपको बीप टोन देने के लिए इसको देखिए शॉर्ट टूथ। चलिए देखते हैं, तो ये शॉर्ट टूथ बोलिए, साइन वेव बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन सबसे बेहतर जो है आपको आपके लिए ठीक रहेगा ये है साइन। साइन में आप रहेंगे तो आपको वैसा साउंड मिलेगा जो रेडियो सेंटर खुलने से पहले या टीवी सेंटर खुलने से पहले एक आवाज़ होता है, आप लोग शायद देखे होंगे, जैसे कि दूरदर्शन चैनल या हमारा आकाशवाणी, जब कोई भी चैनल जब ओपन होता है तो उससे पहले ये ऐसा बीप टोन जाता है पहले से, तो वैसे ही ये साइन वेव का है। तो आप इसको लागू कर सकते हैं, उसका लेवल भी आप यहाँ से अप डाउन कर सकते हो। आपको अगर ज़्यादा ज़्यादा वॉल्यूम वाला चाहिए तो आप इसको
प्लस भी कर सकते हो, हाँ प्लस 10 प्लस 14 कर सकते हो, इसमें क्या होगा वॉल्यूम ज़्यादा होगा, लेकिन खास तौर पे आपको जहाँ पे रहना है माइनस 20 डिग्री रहेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, इसको माइनस 20 प्रिंट कर दीजिए माइनस 20, तो इसमें आपको माइनस 20 डिग्री का लेवल देंगे। और 1000 किलोहर्ट्स मतलब 1 किलोहर्ट्स का जो मिड फ्रिक्वेंसी में जो जहाँ पे बैंड रहता है 1 किलोहर्ट्स का आपको साउंड मिलेगा वहाँ पे। और ये ऐसा मतलब बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आप इसको जहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ तक सिलेक्ट किया, उसको रेंडर कर दीजिए तो आपको बीप साउंड मिल जाएगा। देखिए कैसा होता है। तो शायद आपको पता लग गया होगा कैसे बीप साउंड देना पड़ता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, एक बार अगर आपका जहन में अगर रह जाएगा, आपका दिमाग में रह जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली ये बाहर आ जाएंगे जब भी आपको बीप साउंड देना पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगला एपिसोड लेके अगला वीक पे, तब तक के लिए आप लोग ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते में, तब तक के लिए नमस्कार। Hot bar. I give fucking on your bitch, yeah, that.